दोस्तों, बोइंग ये अमेरिका की एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल एरोस्पेस कंपनी है जो ज़्यादातर एयरप्लेन्स, रोटरक्राफ्ट, रॉकेट, सैटेलाइट, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, मिसाइल्स और भी बहुत सारी चीज़ों को डिज़ाइन करती है, मैन्युफैक्चर करती है एंड सेल करने का काम करती है। और यही कंपनी दुनिया के एक खतरनाक लड़ाकू विमान को भी बना करके तैयार करती है जिसको हम 15EX सेगल नाम से जानते हैं। सो इस कंपनी ने फाइनली डिसाइड किया है कि वो भारत की एक कंपनी के साथ मिल करके भारत के अंदर अपने इस खतरनाक लड़ाकू विमान को बना करके तैयार करेंगे, यानी कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग अब इंडिया में की जाएगी। और इस काम को कम्प्लीट करने का जिम्मा उठाया है डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड ने, जो भारत के बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है। और ये कंपनी अब ऐसे लड़ाकू विमान को मैन्युफैक्चर करने का काम शुरू करेगी। वैसे तो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बेंगलुरु में है और डायनेमिक टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल ईयर 2022 तक इसके मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रही है। वहीं जब से इन दोनों कंपनियों के बीच में ये समझौता हुआ है तब से कंपनी के जो शेयर्स हैं वो 1.52% तक बढ़ चुके हैं, यानी कि अब 3,070 रुपये से भी ज़्यादा प्राइस हो चुके हैं। ये कंपनी भारत के अंदर ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, हाइड्रोलिक, सिक्योरिटी और भी बहुत सारे इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। तो आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। भारत के ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।